और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें भीलवाड़ा मांडल में कांग्रेसी नेता की दबंगाई, थाने में जाकर ड्यूटी ऑफिसर को धमकाया, अपने मजदूर की बिना नंबरी बाइक रोकने पर किया गाली गलौज। आपको बता दें दस्तावेज चेक करने पर पुलिस अधिकारी से गाली गलौज की गई, धक्का मुक्की की गई और ऐसे में पुलिस कर्मियों के बार बार समझाने के बावजूद गाली गलौज घटनाक्रम के दौरान। आपको बता दें कि थाना अधिकारी नहीं थे थाने में, ऐसे में ड्यूटी ऑफिसर ने अभियुक्त लादूलाल पहाड़िया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला परिषद सदस्य है लादूलाल की पुत्री हर्षिता पहाड़िया, ऐसे में जिला ईंट भट्टा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी है लादूलाल पहाड़िया और ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस ने राजकार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में मामला यहां पर दर्ज किया। देखिए वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर गाली गलौज करते हुए ये नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र सिंह हमारे स्थानीय पत्रकार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि गाली गलौज वहां पर काफी हद तक हुई और ये वीडियो भी बनकर सामने आया है। जी आयुषी, बताना चाहूंगा, बीती शाम ईट भट्टा एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष और कांग्रेसी नेता कहलाने वाले लादूलाल पहाड़िया मांडल थाने के करीब कहीं आए हुए थे और उनके मजदूर की कोई बाइक रोक ली गई। पुलिस ने, ड्यूटी ऑफिसर ने रामकिशोर मीणा ने जब इनकी बाइक रोकी उनके मजदूर की तब उनकी मजदूर की बाइक के ऊपर आगे पीछे दोनों तरफ नंबर नहीं थे। इस दौरान उसे रोककर उसके दस्तावेज मांगे गए। दस्तावेज मांगने पर उसके पास कोई दस्तावेज नहीं मिले तो उसका चालान मनाने की कोशिश की गई। इस दौरान ही मजदूर ने उस अपने मालिक को फोन किया और बताया मामले का जानकारी देते हुए कि हमारी कार भी रोक ली गई है। कुछ ही देर बाद लादूलाल पहाड़िया मौके पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने अपने ड्यूटी ऑफिसर रामकिशोर मीणा को बदतमीजी से गाली गलौज करते हुए और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वहां पे उन्होंने पुलिस के साथ बदसलूकी की। इस पर पुलिस थाने में जाकर भी उन्होंने उनको धमकाया और यहां से अपने नेता होने का रुबाब दिखाते हुए उन्होंने उनको धमकाते हुए यहां से हटाने की सब सारी चीजें कही। मामला जब काफी हद तक उच्च अधिकारी तक पहुंच गया तो मामले के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और जांच बागोर थाना अधिकारी रायका जी को दे दी गई। जी बिल्कुल, तो दबंगई का यह मामला है और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से उच्च अधिकारियों तक बात पहुंची है तो कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र आपका धन्यवाद। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।